नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखान। आज मैं 3 तारीख के लिए बोल रहा हूँ। 3 तारीख मतलब 3 मार्च, और ठीक है राशिफल वगैरह के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन देश दुनिया की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से सभी कोई को उत्कंठा रहता है। खुद मुझे भी उत्कंठा है जानने के लिए, लेकिन सत्य बात तो यह है कि ना तुम मेरे पास ऑथेंटिक ऑथेंटिक अगेन आई एम टेलिंग यू कि एकदम विश्वसनीय कुंडली ना तो पुतिन की है और ना यूक्रेन के राष्ट्रपति का है, न यूक्रेन का है। कभी इसकी ज़रूरत हमने समझी नहीं, तो जनरली मैं संग्रह करके रखता रहता हूँ शुरू से। छोटी बहुत भी कुछ घटना घटती है तो लिख लेने की आदत है हमारी। अब जो भी हमको मिला है वो सोर्स तो सही होना चाहिए, बट आई कैनॉट से ऑथेंटिक। मैं हमेशा वेरीफाई करता हूँ जो वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ। सो ऐसे स्थिति में तीन तारीख का जो मैं राशिफल बोल रहा हूँ उसमें आप एक चीज़ मार्क कीजिएगा। देखिए, हमारे आप सबके जानकारी की चीज़ है ये। अभी देखिए 10 नंबर में, 10 नंबर में 1, 2, 3, 4 ग्रह हैं। 11 नंबर में 5, 6, 7 तीन ग्रह होने के कारण 7 ग्रह हो गया, राहु केतु बाहर हो गए। सो सभी ग्रह केतु से लेकर के राहु के अंदर में आ गए। ये अमृत योग है, काल सर्प योग नहीं है, ये एक बात। दूसरी बात कि 10 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं, 11 नंबर को भी नॉर्थ बोलते हैं। तो पहले सारे ग्रह जो थे खास करके यहां पर थे मंगल और शुक्र, तो ये नॉर्थ वेस्ट जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो सारा सिनेरियो जो था नॉर्थ वेस्ट में था। ऐसे के लिए कि क्रूर ग्रह यहाँ पर थे और आप देखेंगे तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में 2 ही ग्रह थे मंगल और शुक्र, लिहाजा और ये 9 नंबर अग्नि तत्व था, इसलिए झंझट का शुरुआत यहाँ से हुआ। और अभी हर एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है समझने के लिए कि अभी आप देखेंगे कि मंगल और शुक्र की गति ऐसी है कि मंगल आगे हैं और शुक्र पीछे हैं। मंगल आगे हैं, शुक्र पीछे, हालांकि दोनों एक ही नवांश में हैं, राशि एक है, डिग्री एक है, मिनट्स एक है। उसके हिसाब से मंगल आगे हैं, उनके पीछे शुक्र है और शनि तो है ही पीछे। तो स्थिति ऐसी हुई है कि जिसको बोलते हैं ना फ्रिक्शन, एक ग्रह और दूसरा ग्रह एक ही नवांश में, एक ही डिग्री में, एक ही राशि में एकदम सट सट के चले जा रहे हैं, तो थोड़ा फ्रिक्शन तो होगा। वो फ्रिक्शनल झंझट हुआ यहाँ। ये झंझट जो रूस और यूक्रेन का हुआ, ये फ्रिक्शनल झंझट हुआ है। रूस का लग्न हमको मालूम नहीं, लेकिन जो मेरे पास जो जानकारी है पुतिन का जो लग्न है
वो सात लग्न है शुक्र का, और इसी में शुक्र भी है। और वृषभ का चंद्रमा है उनका, तो शुक्र के दो हाथ हुए, दो नंबर और सात नंबर, तो सात नंबर में शुक्र है और दो नंबर में उनका चंद्रमा है। शुक्र के दो हाथ, दो नंबर के हाथ में चंद्रमा 100% स्ट्रांग, और सात नंबर वाले हाथ में शुक्र 75% स्ट्रांग प्लस। तो ये आदमी पुतिन जन्मना विलक्षण आदमी है, विलक्षण आदमी है। खानखाना साहब ने भी कहा है कि यदि किसी के लग्न में शुक्र है, शुक्र को जोहरा बोलते हैं, अब्बल खाने जोहरा, अब्बल खाने माने पहले हाउस, अब्बल खाने जोहरा, तो बोलते हैं और क्या देखना है जी, सुंदर होगा, हैंडसम होगा, वेल बिल्ट अप होगा, बुद्धि उसकी उतनी होगा जितना कि शुक्राचार्य का ब्रेन था, राक्षसों को, मरे हुए राक्षस को जिंदा कर देते थे, इतने गुण उसके अंदर में। और दूसरी ओर वृषभ राशि का उच्च का चंद्रमा उसी शुक्र के घर में, तो शुक्र इज डिस्पोजिटर ऑफ 100% स्ट्रांग मून। इसलिए कहा कि भगवान ने इस आदमी को विलक्षण शक्ति के साथ भेजा। कभी कभी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बिकम्स बैड, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। लेकिन इतना होने के बाद भी शीतलता तो इसके दिमाग में है, इसके दिमाग में शुक्र का शीतलता है और चंद्रमा की शीतलता है 100% और ये 75%, तो 175% भगवान ने शीतलता भी दिया, मतलब बिना सोचे समझे ये कुछ नहीं करेगा, और जो भी कर रहा है गलत या सही उसके सोच से उत्पन्न हुई है। वेरी इंटेलिजेंट गाय, हमको बोलना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट गाय। तो अभी उनकी कुंडली में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं हल्की सी बात बोल रहा हूँ। और जो बिडन की राशि मेष राशि है और वृश्चिक लग्न है, देखिए जो बिडन मंगल के हैं, मेष उसके भी दो हाथ, एक हाथ में एक नंबर, एक नंबर में चंद्रमा है उनका, और दूसरा आठ नंबर में उनका लग्न है, शरीर है। तो इनके अंदर में गर्मी है, मंगल है मतलब फायरबॉल है। ये आदमी गलत डिसीजन ले सकता है उत्तेजना में, क्रोध में, नॉट ही, नॉट पुतिन। जो फैक्ट है मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, पुतिन का जो राशि है वो मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र, और लग्न है आठ नंबर का। तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज, बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो और वृश्चिक राशि में जो बिडन साहब का जो लग्न है उसमें सूरज भी है, सो अगेन इट इज़ अ फायर, और उसी में शनि भी है, कंट्राडिक्टरी, कूल भी है, तो शनि को भय भी बोलते हैं।
मैं किसी के प्रति कोई कटाक्ष और कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो जो लिखी हुई है आप भी उसको स्टडी कीजिए। तो उनके शरीर में सूरज है, लग्न में सूरज है गर्म, शनि है बर्फ, तो इनके शरीर में कफ पित्त का मेल है। और आप देखिए बिडन साहब थोड़ा सा लिंपिंग करके चलते हैं, थोड़ा लिंपिंग करके चलते हैं, अपने स्टाइल में उसको मैच कर दिए हैं। इसलिए कि शनि लग्न में है, शनि को लेम ग्रह बोलते हैं, लंगड़ा ग्रह। तो ढूंढिए उनकी कुंडली और मैच कराइए। तो मैं ये बोल रहा था कि शुक्र जो मीठा ग्रह है, जो पुतिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मंगल से पीछे पीछे चल रहा है। मंगल आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोल रहा हूँ, जनरल भाषा में बोलूँ तो पुतिन आगे आगे, बिडेन साहब आगे आगे चल रहे हैं, पुतिन पीछे पीछे चल रहे हैं। इज फॉलोइंग हिज एक्शन, मिस्टर पुतिन इज फॉलोइंग हिज एक्शन। और फर्क कितना है, मुश्किल से सेकंड्स में, डिग्री सेम, राशि सेम, मिनट्स सेम, सेकंड्स में फर्क है। एकदम क्लोजली एज इफ एक आदमी के सामने में दूसरा नंगा, दूसरे के सामने में पहला नंगा, सबको सारी बातें मालूम। लेकिन फिर भी मंगल आगे, बिडन आगे, पुतिन पीछे। 6 तारीख को सडनली, 6 तारीख को सडनली शुक्र आगे हो जाता है। शुक्र का मतलब पुतिन साहब, वो आगे हो जाते हैं और बिडन थोड़ा पीछे हो जाते हैं, उनको ओवरटेक कर लेता है ये। अब क्या अर्थ है आप लोग समझिए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर। तो 6 तारीख के आसपास, 6-7 आसपास कुछ भी हो सकता है, या तो बहुत अच्छी बात हो जाए, बिल्कुल अच्छी बात हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ रगड़ा है, मंगल और शुक्र का रगड़ा है, एक दूसरे से घर्षण करके चल रहे हैं, जैसे भीड़ में एक दूसरे से सट करके चलते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है। ये झगड़ा नहीं है, ये रगड़ा है। Somebody is committing a mistake and the mistake is knowingly। तो ये रगड़ा है, हालांकि कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो जैसे उस आदमी ने एक सब बहुत कड़े चीज़ों को बड़े मीठे ढंग से बोला, एक अकेला युद्ध के मैदान में, उसने कहा लोगों ने आगे बढ़ा दिया और मुझे, मैं एक अकेला मैदान में, वर्ड ही था। यूक्रेन के राष्ट्रपति के शब्द थे। तो ये रगड़ा है, कोई झगड़ा नहीं है, स्वाभिमान का है, अभिमान का है, और धोखे का है, छल कपट प्रपंच का है। अब छल कपट प्रपंच ये शब्द हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये इस चक्र में जिसमें राशियां देखी जाती हैं, ग्रह नहीं देखे जाते हैं पहले। तो वृषभ राशि में राहु है और 1 नंबर में सूरज हैं, गुरु हैं और चंद्रमा है। राहु वेध कर रहे हैं किसको, 11 नंबर को। और 11 नंबर में कौन है, सूरज है, गुरु है और चंद्रमा है, जिसमें सूरज के नज़दीक जाने के कारण चंद्रमा जले हुए हैं। प्रतिपदा तिथि है आज,
और गुरु पहले से अस्त है सूरज के बहुत करीब होने के कारण, पहले से जले हुए हैं। अब राहु जिसको देख रहे हैं वो सूरज को देख रहे हैं, सूरज को राहु तंग कर रहे हैं। सूरज और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो सूरज ग्रहण, तो सूरज को भी ग्रहण लगा। पावर शक्ति सामर्थ्य कौन करा रहा है? तो राहु करा रहा है। छल कपट प्रपंच, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, धोखा, छल कपट करके ये सारी चीज़ें कराई जा रही है। किससे? सूरज से। मरा हुआ कौन है? तो गुरु, ज्ञान, बुद्धि। और मरा हुआ कौन है? तो चंद्रमा, जिसमें ये बुद्धि उपज रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक आदमी ब्लाइंड होकर के मूर्खता किए चला जा रहा है। चंद्रमा जिसमें विचार उपजते हैं, और गुरु जिसमें ज्ञान है। तो ये ज्ञान कहाँ है? तो चंद्रमा के साथ है, सूरज के साथ है। देख रहा है कौन? तो राहु। गाइड कौन कर रहा है? राहु। छल कपट प्रपंच, धोखा, षड्यंत्र। कोई आदमी अपना उल्लू सीधा करवा रहा है, कोई राष्ट्र। ये दोनों को लड़ा दो, दोनों बेवकूफ हो जाएंगे, दोनों कमजोर हो जाएंगे, मैं बलि हो जाऊंगा। अब सोचिए, ये आपकी बात सोचने की, मैं नहीं बोल सकता। तो ये संघात चक्र में राहु के द्वारा सूरज, गुरु और चंद्रमा का भेद हो रहा है। अब एक और बात बता रहा हूं, मेदिनी ज्योतिष में 10 नंबर का मतलब होता है 9, 10 नंबर का मतलब होता है नॉर्थ, 11 नंबर का मतलब होता है नॉर्थ। तो नॉर्थ में 5 ग्रह चले आए, 1, 2, 3, 4, ये 4, 5, 6, 7 ग्रह आ गए नॉर्थ में। तो सीन चेंज हो सकता है नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ। सीन, संघर्ष का सीन चेंज हो सकता है नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ। तो हमारे भारतवर्ष से नॉर्थ में क्या है? नक्शा निकालिए, देख लीजिए कहाँ तक। तो ये तो नॉर्थ है, और 11 नंबर जो है हल्का सा नॉर्थ ईस्ट भी चला जाता है, हल्का सा 15 डिग्री नॉर्थ, वहाँ से 15 डिग्री और कट कर दीजिए, नॉर्थ में ऐड कर दीजिए 15 डिग्री और, तो वो क्षेत्र हिंदुस्तान के माथे के ऊपर से जो उतना क्षेत्र, देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आर्क बड़ा होता जाता है, तो पूरा क्षेत्र कवर कर लेगा। तो अभी भी चूँकि गुरु अभी भी अस्त ही रहेंगे सूरज के करीब आकर के, तो गुड सेंस प्रिवेल नहीं कर रहा है, जिद प्रिवेल कर रहा है। गुरु बहुत बड़ा ना, बहुत स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत बड़े, और वो अस्त हो गए हैं, तो सारा जो बैलेंस है आकाश का बैलेंस बिगड़ गया है। इस क्यों? तो गुरु के कारण। किसके साथ हैं? तो सूरज के साथ हैं। सूरज को क्या बोलते हैं? पृथ्वी। उसमें लिखा हुआ है सूरज, कुंडली में लिखा रहता है सूरज, चांद, मंगल, सारे लिखे रहते हैं, लेकिन सारे ग्रह तो ठीक है अपने जगह में, सूरज का ब्रैकेट कर दीजिए पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो डगमगा रही है, कैसे? गुरु का जो आकर्षण शक्ति है वो तो मर गया है, हाथी मर गया है सूरज के नज़दीक आने के कारण। तो आशंका जो है, गलत आशंका जो हम लोग डर रहे हैं, तो वो सत्य भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि सत्य नहीं हो सकती है। बट थैंक्स टू ऑल द प्लैनेट्स बीइंग लोकेटेड केतु और राहु के बीच में है, इसके बीच में सब आ गए हैं, द डायरेक्शन इज लाइक दिस। तो
केतु से राहु के बीच में सारे ग्रह आ गए, जिसको मैं अमृत योग बोलता हूँ। अमृत खाने से तो मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों में विराम लग सकता है। और केतु बोलते हैं नाना जी को, क्यों बोल रहा हूँ, क्यों जिक्र कर रहा हूँ, नाना जी कहाँ से आ गए इसमें। जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि थर्ड जनरेशन हुआ मेरे नाना जी मतलब मामा जी के पापा। मैं मेरे मामा जी उनके पापा, वो नाना जी हुए थर्ड जनरेशन। सो जितने पॉलिटिशियंस हैं, राजनायक हैं, जो उसमें सबसे बूढ़े हैं, सबसे एजेड हैं, ही इज गोइंग टू प्ले द की रोल फॉर अमृत, अमृत बिछाने का ये काम करेंगे। समझ लीजिए आप लोग। और केतु को चीन भी बोलते हैं। मेदिनी ज्योतिष में केतु को चीन को केतु से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो समवेयर द चीन कैन ऑल्सो प्ले ए गुड सैमरिटन बिहेवियर। हो सकता है किसी कारण बस कुछ परिस्थितियाँ स्थितियाँ जादुई ढंग से ऐसी हो जाएं कि आग बुझाने में उनकी भी योग्यता और योगदान की ज़रूरत पड़े। हालांकि वो आदमी या वो नेशन का मंगल नीच का है, तो उसको मंगल माने भूमि, रियल इस्टेट, उसको तो भूमि की भूख है। गलत, कैसे भी लोग कुछ भी खा लो, जमीन खाओ, सिर्फ वो जमीन खाना चाहते हैं। लेकिन कुछ तो बात होगी, एक ऐसी भी बात दिखती है। अस्तु, यहीं तक है, आप लोग समझिए। एक और बात लगे हाथ बता दूं, शनि जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं युद्ध में, शांति में, न्याय में। तो बिडन की कुंडली में शनि 25% बली है, बस मात्र 25%, इससे ऊपर नहीं है। अमेरिका के भी कुंडली में शनि अभी 25% ही बली हैं। रूस का तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ पुतिन साहब का जो भी मेरे पास है उसके हिसाब से उसमें भी शनि का बल 25% ही है। लेकिन यूक्रेन की जो कुंडली है उसमें शनि का बल 62.5% है शनि का बल। तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन अभी मरने वाला है। हालांकि उसकी कुंडली में वो अल्पायु है, उसकी आयु ज़्यादा नहीं है, भाग्य भी कमज़ोर है उसके, है तो अल्पायु। लेकिन शनि जब तक 62% है, दैट इज़ अप टू 29th अप्रैल, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ होने वाला है, मुझे नहीं लगता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कहानी उल्टी हो सकती है। जिसको हम लोग सबसे कमज़ोर समझते हैं वो जीत जाए, और जिसको महाबली समझते हैं वो पिछड़ जाए। खरगोश और कछुआ का रेस है, खरगोश हार जा सकता है और कछुआ जीत सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं। आज की कुंडली में आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि 3/3/2022
सुबह के समय में, सूर्योदय के समय में, ये सारे ग्रह 10 नंबर में, चार ग्रह मंगल शनि शुक्र और बुध, और सूरज गुरु चंद्रमा 11 में, और राहु केतु के अंदर में सारे ग्रह पड़े हुए हैं। उसके हिसाब से जो भाव बल है, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ भाव बल, कौन सा हाउस स्ट्रांग हो गया है, कौन सा हाउस कमज़ोर है। आपके कुंडली में जिस भाव, मान लिया जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको बराबर बोल रहा हूँ फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कि मेष राशि में हमने राइट दाग दिया है, एवरेज गुड, तो किसी आदमी के कुंडली में मेष लग्न हो सकता है, तो शरीर आपका एवरेज है, हेल्थ प्रॉब्लम थोड़े बहुत आएंगे, ठीक ठाक, फिर भी ठीक ठाक। यदि सेकंड हाउस में है तो धन हानि की संभावना है, परिवार में झंझट होगा। यदि थर्ड हाउस में है तो आपके भाई बहनों से कलह की बात है, उतना आनंद नहीं रहेगा, जमीन जायदाद को लेकर के झंझट होगी। यदि यही मेष राशि यदि आपके चौथे भाव में पड़ता हो तब भी शिक्षा विक्षा की कमी होगी, पढ़ाई लिखाई बहुत सुंदर से नहीं होगा, माता जी का स्वास्थ्य भी साधारण रहेगा, घर में आनंद की धारा नहीं बहेगी, लेकिन हाँ कुछ तो है, गड़बड़ भी रहेगा। फिफ्थ हाउस में है तो बच्चे के लिए चिंता रहेगी आपको। सिक्स्थ हाउस में यदि मेष एक नंबर का भाव है तो शत्रुओं से आप परेशान रहेंगे, रोग से परेशान रहेंगे, कर्जा से परेशान रहेंगे, फाइनेंशियली वीक रहेंगे। यदि सेवन्थ हाउस में आपका पड़ जाता है एक नंबर का भाव, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी स्थिति नाजुक हो जाए, आपके पत्नी के साथ आपके रिलेशन कमज़ोर हो जाए, आपसी द्वंद्व हो जाए, झूठ मूठ का। अच्छा जरा सा बैठ जाओ, बैठ कर लीजिए बेटा, अंदर बैठा है, नहीं वहाँ बैठने दीजिए, दो मिनट रुक जाइए आप। नानू जब हो जाएगा तो खोल दीजिए। हाँ हाँ, पापा को बोलिए, सेंड योर पापा। हाँ जा रहे हैं, हाँ काम करना, हम लोग आए, सॉरी। तो ओके ओके ओके, तो भाव यदि किसी का कमज़ोर हो जाता है, जैसे अष्टम भाव में मेष पड़ गया, आपका अष्टम भाव पड़ गया, और मैंने इसको लिखा है एवरेज, सो यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, यू आर नॉट सपोज टू टेक रिस्क, आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हो जिससे आपके आयु पर खतरा हो, जस्ट टेक केयर। तो भाव को पकड़िए, जैसे मैंने लिखा है, आप देखिए सिंह को हमने क्रॉस किया है, इट इज़ अ नेगेटिव वन। किसी के कुंडली में सिंह राशि कहीं भी पड़ती हो, किसी भी जगह पड़ती हो, यू आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम दैट, वहाँ नुकसान करेगा, ये पक्की बात है, इस पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको झंझट हो जाएगा। तो ये भाव बल के हिसाब से हमने लिखा है, मेष राशि इज़ एवरेज गुड, वृषभ राशि इज़ फाइन गुड वेरी गुड, मिथुन इज़ एवरेज गुड, लियो सिंह राशि थोड़ी गड़बड़ है, इसमें जो स्थिति बनी हुई है अशुभ है, कन्या इज़ वेरी गुड, तुला इज़ वेरी गुड, वृश्चिक राशि इज़ एक्सेलेंट, धनु राशि इज़ एज वेल एज एक्सेलेंट, और मकर और कुंभ अगेन इट इज़ जस्ट लाइक लियो, ये भी कमज़ोर है आपका। तो तीन राशियां खास करके सिंह, कुंभ और मकर, दे आर नॉट ऑल राइट, यू हैव टू टेक योर प्रिकॉशन, ये भाव बल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और ठीक उसी तरह से आप देखिएगा कि चूंकि गुरु आज का जन्म लग्न है और पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है, देयरफॉर जुपिटर इज योर बर्थ स्टार, लग्न कुंडली हो, जन्म कुंडली हो गया, और शनि परम मित्र तारा में हो गए, तो शनि के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है, जस्ट इंजॉय योर लाइफ। बुध के तीन नक्षत्र में भी जिनका जन्म है, आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती,
आपके लिए बिल्कुल समय ठीक ठाक है, जस्ट लाइक शनि, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा और एक और नक्षत्र। ठीक उसी तरह से केतु के तीन नक्षत्र में किन्हीं का जन्म है, अश्विनी मघा मूल, सो इट इज़ अ बैड पीरियड फॉर यू, टेक केयर ऑफ यू, एक्सीडेंट हो सकते हैं, चोट लग सकते हैं, सिर में भी आघात हो सकता है। शुक्र के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आप बहुत लकी हो, सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस, यू प्लान योर सेल्फ, प्लान योर प्रोग्राम, आज का दिन आपका बहुत बढ़िया जाएगा। सूरज के तीन नक्षत्र प्रत्यारी तारा में आते हैं, एनिमी स्टार में आते हैं, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, आज के दिन अच्छे नहीं हैं आपके, सावधान रहिए। चंद्रमा के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है, यू आर लक्की, समय आपके आपके फेवर में जाएगा। और उसी तरह से मार्स के तीन नक्षत्र में, मंगल के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है, धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा, आपके लिए भी समय भी बहुत डेंजरस है। डोंट इन्वाइट एनी प्रॉब्लम, डोंट इन्वाइट एनीथिंग सो दैट यू आर फिजिकली इंजोर्ड, जो आपको कष्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी ना करें आप। और राहु के तीन नक्षत्रों में जिनका जन्म है, आपके लिए समय बहुत बढ़िया है, कुछ पाना है, धन जन शक्ति सामर्थ्य कुछ तो मिलेगा। एक टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए, और ख़ास करके वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होंगे उनके लिए, लग्न लॉर्ड एक्स सिक्स लॉर्ड डिग्री राशि डिग्री मिनट राशि डिग्री मिनट सेकंड प्लस सिक्स लॉर्ड राशि डिग्री मिनट सेकंड प्लस एट्थ लॉर्ड राशि डिग्री मिनट सेकंड प्लस ट्वेल्थ लॉर्ड राशि डिग्री मिनट सेकंड, सबको जोड़ लीजिए। जो राशि आए अल्टीमेटली जोड़ने के बाद, डिग्री आए, मिनट आए, सेकंड आए, दिस हैज़ बिकम योर सेंसिटिव पॉइंट, वेरी सेंसिटिव पॉइंट। जब भी शनि इस पर आएंगे, सैटर्न, तो भी इस पॉइंट पर आएंगे तो चेक कीजिएगा, इसको मिलाइए, देन योर फिजिकल हेल्थ इज इन क्वेश्चंस, थोड़ी झंझट जरूर होगी। ये बहुत सरल तरीका है कि शनि कब आपको इफेक्ट करेगा ये समझने के लिए। लोग बोलते हैं ना कि ये तो 2.5 साल है, कब हमको देगा या कब नुकसान करेगा, कब ये देने वाले हैं, तो आज हमने एक टिप्स बताया, समझ लीजिए। आज यहीं तक, इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।
हाँ।